देख लेता हूँ मैं रूल्स क्या क्या है। फिर अपन लोग देखते हैं कि कैसा जाने वाला है मैच। टीरेक्स लोयन ये कौन है? तो टीरेक्स लोयन कौन है? भाग भाग शेर आया, शेर आया, शेर। सही है बंदा टीरेक्स लोयन। टीरेक्स लोयन यूट्यूबर है? अच्छा ये है वो लोनेक्स गेमिंग? नहीं नहीं मुझे नहीं पता। I don't know. I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I fight to live. A few moments later. तो वो तो फर्स्ट छोड़ दो एक। आयो? आये आरे आरे जल्दी आ वाके। साले तीन सौ एक बोली मारा है तूने वाके। जल्दी आयो। मेरे पास अबे फाइट चैट नहीं है मेरे पास। ओ हेलो, अरे आरिफ को रिवाइव कर दे। एडी मेरे पास हीलिंग नहीं है ब्रो। रोक ली उन्होंने बीआरडीएम, लग गए अपने एल। सर हील करियो। हीलिंग दो, हीलिंग दो, हीलिंग दो। पागल है क्या? एडी गाड़ी मर जा, गाड़ी मर जा, एडी गाड़ी मर जा, गाड़ी मर जा। इसने सारी हीलिंग ले ली मेरी। मैं जाना मार तो चुनी है मेरे पास। मैं नॉक हो गया। अबे पागल है क्या बुद्धू? पीछे लो हिलो। मेरे पास तीर से हैं लेकिन कोई फायदा भाई आदत को दिखा। भाई यहां से चल भाई। वो बंदे रिवाइव कर रहे हैं। क्या भाई तुझार क्या खेल रहा है? कंफ्यूजन हो रहे ना भाई। क्या तू Hey guys, क्या हाल चाल आई हूँ सारी के सारे अच्छों के। तो हम अगेन आ गए हैं बेहतरीन गेम प्ले वीडियो लेकर, जिसमें भैया बहुत सारी तबाही होने वाली है और शुरू में तुमने देख ही लिया क्या होने वाला है। लेकिन ये सब फालतू बातें, हार जीत लगी रहती है, मोह माया है बाकी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आई लव यू 15,90,000 2,000, मतलब इन्फिनिटी लेवल के जीरो ही नहीं हटने वाले, इतना ज़्यादा प्यार। मतलब तुम लोगों ने क्या ही लाइव चैट में स्पैम मारा है, क्या ही स्पैम मारा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई AWM के शॉट ऑटो पे चला रहा हो। दिल खुश हो गया, मतलब मान गए भाई साहब। ऐसे ही नहीं, हम कहते हैं कि हमारी फैमिली मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड है, आज पता चल भी गया यार। मतलब आई लव यू अगेन यार। तो पहले आए विलेज में बंदे उनको बजाते हैं, बाकी बातें तो चलती ही रहती हैं लोयन भाई की। अबे मुझे 590 जैसी गन मिली है बे। एक मिल गई इनकी लंका। आ जा मेरी वाली बिल्डिंग में, जाना उधर को। वन डाउन। कौन है भी? निकल लो उड़े भैया। निकल से नीचे दम किया बहुत सारे मेरे पे गाड़ी लेकर आ रहा हूं। दो तीन महीने में खिलाड़ी भैया नो नाम दे दिया उसे। तो भैया जिस हिसाब से शॉर्ट गन लेके घुसे थे ना हमारी थ्री स्टोरी में, हमारी तो हवा निकल गई थी। क्योंकि भैया लॉयन बस का मास्क था, हेलमेट था नहीं। वैसे हमको पता है लॉयन का मास्क इतना खतरनाक है कि बड़े बड़े मर जाएं, कोई बात नहीं। लेकिन यार कदम से फट गई थी क्योंकि भैया शॉर्ट गन थी और मेरे पास हेलमेट नहीं था। लेकिन काफ़ी सज्जन पुरुष थे यार, उन्होंने गोली ही नहीं चलाई, संकोच कर गए गोली चलाने में। और हम कतई बैल आदमी, बंदा देख के गोली ऑटोमेटिक चला देते हैं बे। मतलब हमने तो अंधा फायर कर दिया शॉर्ट गन से। हमको लगा बंदा फंसेगा, फंसेगा नहीं, फंसेगा तो क्या ही समस्या है, गोली थोड़ी ना बर्बाद हो रही है, वैसे ही पबजी में फ्री में मिलती हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद वहाँ से गड्डी उठाते हैं और गड्डी उठा के निकल लेते हैं पायलट प्लाजा, और पायलट प्लाजा आते हैं, फ्लेयर गन चलाते हैं, BRDM मंगाते हैं और काफ़ी सारा मजा करते हैं। अब जोन आ गया था तो जोन में निकल लेते हैं। तो भाई साहब जल्दी से जाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल में नए हो सब्सक्राइब पर माथा टेको, घंटा बजाओ और हमारी फैमिली, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा हार्ड है यार। मैंने पहले भी बता दी है ये बात। अब यहाँ से चालू होने वाली है वो कहानी जिसका इंतजार तुम कर रहे थे हमारे साथ। तो जरा मज़ा ले लो, दमदार तरीके का मज़ा आने वाला है इसमें, दमदार तरीके का।
खिलाड़ी मेरे नॉक हो गए फिर से मेरे साथ हो गई ओ बड़ी मैं कर मारना सिर्फ वाला पूछ लो ना सर Enemies ahead. Enemies ahead. ओए प्रवीण को मार दिए लॉयर भैया ओ पागल हो रहा है मैं क्यों कंफ्यूज होऊंगा हीलिंग तो कर लो पहले भाई कहते न्यू गेम प्ले हो रहा है भाई तू कर रहा है कब हीलिंग मांग रहा है तू मेरे से तेरे पे हेल्थ भी नहीं लगी अपनी नूबड़ा क्या तीन मैच और खेले अभी तीन टूर्नामेंट और है बटन दबा दो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मैं सभी को शॉर्ट आउट दे देता हूँ मेरे भाई तो कहा यार बाकी सब हटाओ बाकी सब तो होता ही रहता है ये बताओ कि यार पीआरडीएम रोकने का स्टाइल कैसा लगा मतलब धूम फोर की शूटिंग चली रही थी वहाँ पास ऐसा समझ लो तुम क्या ही पीआरडीएम रोकी जो ही पीआरडीएम ब्रेक मारा भैया पीआरडीएम वही 360 घूम के उल्टा खड़ी हो गई मजा आ गया देख के यार मुझे लगा कि ओहो अब तो मेरा कलेक्शन पक्का हो जाएगा फास्ट एंड फ्यूरियस 98 में यही सीरीज चल रही है ना अभी पता नहीं मुझे तो देखो ये सब तो फालतू बातें हैं जो कुछ चलते रहते हैं अभी तक तुम वीडियो में बने हुए हो तो यार जरूरी बात सुन लो क्योंकि बाकी चीज़ों का पता नहीं लेकिन ये बहुत जरूरी चीज़ है तो यार ये वीडियो अपलोड करके मैं ये बिल्कुल नहीं दिखाना चाहता हूं यार कि वो प्रो है या मैं नूब हूं वो प्रो मैं सिर्फ इतना दिखाना चाहता हूं जो मैं अब बताने जा रहा हूं तो यार मैंने पबजी मोबाइल लाइट की लाइव स्ट्रीम और गेम प्ले उसी बंदे को देख के चालू किया था जिस बंदे ने आज मेरा नाम लिया है मैं इस बात के लिए खुश और मैं चाहता हूं ना मैं तुमको पहले बताऊं कि मैं अपनी हर खुशी को तुम लोगों के साथ शेयर करता हूं तो यही सीन है यार मैंने गॉड प्रवीण वाईटी को देखा था सिर्फ यही एक बंदे को उस समय देखा था मुझे लगा सिर्फ यही एक बंदा जो YouTube में PUBG मोबाइल लाइट कंटेंट डालता है तो मुझे लगा मैं भी डालूंगा इसलिए मैं भी PUBG मोबाइल लाइट कंटेंट अपलोड करने लगा था उसी समय से जब गॉड प्रवीण के कुछ 70 के 50 के सब्सक्राइबर थे तब की बात है ये तब से मैंने चालू किया था और मैंने तब चालू किया था और मुझे इतनी खुशी हुई लिटरली मैं बहुत ज्यादा खुश था जब उन्होंने मेरा लाइव स्ट्रीम में नाम लिया मतलब दिल से सैल्यूट यार तुम लोगों को जिन्होंने ये कराने के लिए उनको फोर्स किया आई लव यू 100 करोड़ टाइम यार मतलब बहुत खुश था मैं जब मुझे पता चली थी ये बात ना मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश था मतलब इतना ज्यादा खुश क्या ही बताऊं और रही फाइट की बात तो मैं गॉड प्रवीण के साथ कई बार टूर्नामेंट में हम लोगों की फाइट हो चुकी है लेकिन यार बस एक ही प्रॉब्लम थी कि उन्होंने आज तक मेरा नाम नहीं लिया लेकिन आज उन्होंने नाम लिया इसलिए मैं इस वीडियो को दिखा रहा हूँ नहीं तो बाकी फाइट वाइट तो चलती रहती है यार हार जीत लगी रहती है जो ज्यादा मेहनत करेगा वो ज्यादा अच्छा खेलेगा और काफी ज्ञान हो गया है अब बात करते हैं गेम प्ले की तो गाइस यार उसके बाद एक और खतरनाक अड़कता भड़कता गेम प्ले है जिसमें किल ज्यादा है क्योंकि मैंने बहुत सारे गेम अभी खेले नहीं है अपडेट के बाद इसलिए अपडेट के बाद गेम प्ले ज्यादा है नहीं लेकिन ठीक है तो भैया हमारे भैया जी सीढ़ी में खड़े होकर बढ़िया जिगल दिखा रहे थे मतलब क्या ही जिगल मारा था मुझे लगा बहुत प्रो लौंडा होगा लेकिन भैया मैंने केपीएस को साफ शब्दों में कह दिया केपीएस तो इनके ऊपर हाथ नहीं उठाएगा जरा मैं देखता हूँ कितना जिगल मारते हैं दोनों लौंडे और जिगल इंपॉर्टेंट नहीं होता भैया गोली टच होनी चाहिए बंदे के ऊपर और वो इनसे नहीं होती भैया ये सिर्फ गाड़ी चलना पड़ेगा
Enemies ahead. चलिए एक सो है हग ही मारो मेरे को दिख रहा है पूरा अच्छे से येलो वाले घर में एक लौंडा है येलो वाले घर में एक लौंडा है और पिंक वाले में दो हाँ सही है इसी में डीएस पर तो भाई साहब एक चीज तो 100% फिक्स थी कि अगर हम लोग नहीं आते तो जिस बंदे को हमने पहले मारा था वो बंदा इन दोनों को आराम से मार देता क्योंकि लौंडा जिगल क्या ही कर रहा था और क्या ही एम दे रहा था लेकिन हम दो थे और वो अकेला इस कारण वो मर गए नहीं तो काफी सही खेला वो बंदा बहुत सही खेला मतलब तारीफें करनी चाहिए इनकी तारीफें और बाकी ये दोनों तो नशे में थे यार एक के पास हेलमेट नहीं था दूसरा वाला पता नहीं गांजा पी के दौड़ रहा था भाई टीबी पी के ऐसे कौन जाता है Enemies ahead. Kidhar se banda? अच्छा इधर आ गए? ओह. बच जाऊंगा कुछ नहीं हुआ. देखिए लोन भैया तो भाई साहब देखा ना बंदे क्या ही मूवमेंट फायर करते हैं जिगल 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 बैठो जिगल 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 बैठो जिगल 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 अबे कमर लचक जाएगी बेटा इतना ना किया करो पैर वैर टूट जाएगा किसी ने तो बैठे रहोगे तो उसके बाद गड्डी उठाते हैं और बंदों की तरफ निकलते हैं तो भैया यहाँ बंदे कतई आसमान की ऊंचाइयों में बैठ रखे थे कोई नहीं अब ये यही बोलेंगे कि मैं हूँ जो यहाँ आया अब हूँ का मतलब समझ जाओ बे इतना ज्यादा वल्गर नहीं होना है ना यार वो अच्छा खेलता है कि क्या करता है वो तो नहीं पता ड्रॉप अंदर घुस रहा है जमीन पे ऊपर छज्जे पे मेरे को मन कर रहा है उनकी गाड़ी का टायर फोड़ दूंगा अब अब भाग के दिखा मैं मॉली कर रहा था नहीं मैं जला नहीं जब जलने वाला था उसको नॉक कर दिया उसको तो भाई साहब जहां हमने इनको फटके दिए ना इनके मुंह से एक ही चीज निकली भाई 500 ज्यादा ले ले हमें नीचे उतार दे लेकिन अब बहुत जल्दी हो चुकी थी अब आप नीचे नहीं उतर सकते हैं अब आप सीधे लॉबी की ओर जा सकते हैं हमने द्वार खोल दिया है आप लॉबी की ओर प्रस्थान करें सर बिल्कुल बढ़िया तरीके से नहीं
तो भैया उसके बाद हमारे कछुआ महाराज मतलब ओपन में ऐसे घूम रहे थे। हमने कई बार कहा है खुले में कुछ भी मत करो यार, बिल्कुल घूमो उमो नहीं खुले में, कोई नहीं खुले में घूमोगे तो ऐसे ही बजा दिए जाओगे। उसके बाद एक बंदे ने क्या ही फटके दिए। लेकिन बदला ले लिया है केपीएस ने, खतरनाक डीपी से स्प्रे दे रहा है इस समय हमारा लौंडा, एकदम आग लगा रहा है। डीपी एकदम पसंद आ गई उसको, कोई नहीं उसकी चॉइस है, इट्स हर चॉइस, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कहीं सर मिल गया चिकन डिनर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चाहे मैंने सब्सक्राइब पर माथा टेको, घंटा बजाओ और हमारी फैमिली, क्योंकि हमारी फैमिली ना बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।